हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो काफ़ी दिन हो गए थे ना कुछ नया प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाए हुए। सो अभी करंटली यहाँ मेरे पीछे जो सस्पेंशन फोक रखा हुआ है ना, लेट मी टेल यू, ये इंडिया में इकलौता यूनिट है जो हमारे पास आया है, सो दैट आई कैन शो यू गाइज। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, आई थिंक अभी ऑनलाइन प्रेजेंस में ये इकलौता ही यूनिट है जो मैं साइकिल राइडर और चैनल पे आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ, बिकॉज यू गाइज आर माई सब्सक्राइबर। सो ये जो फोक है ये SR संतूर के तरफ से उनका लेटेस्ट एयर फोक है, 2023 का मॉडल है। दिस इज कॉल्ड SR संतूर X1 एयर फोक। यस, ये X1 सीरीज का नया फोक है जो SR संतूर अभी मार्केट में लॉन्च कर रही है। जो उनकी XCR की सीरीज है उस सीरीज के अंदर उन्होंने इस फोक को निकाला है, एंड उस XCR के मुकाबले ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल होने वाली है। जो करंट वेरिएंट अभी मेरे पास है ये 120mm का फोक है। ये जो फोक है ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 100mm एंड 120mm। जो करंट मॉडल हमारे पास है ये बूस्ट सस्पेंशन है, थ्रू एक्सल के साथ आता है, यानी कि एंड 29er वेरिएंट। इसमें 27.5 शायद मार्केट में अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, आई एम डाउटफुल। एंड एज आई सेड कि ये एयर फोक है, सो यहाँ पे जो इसका एयर चैम्बर है गैस का, यू कैन सी हियर, फोकस कर लो, ये देखो यहाँ पे इसका एयर चैम्बर है, एंड वी हैव द लॉकआउट लीवर राइट हियर। नीचे की तरफ इस फोक में आपको यहाँ पे जो रीबाउंड का एडजस्टर है वो मिल जाता है, साइड में कुछ नहीं है। थ्रू एक्सल अवेलेबल है हमारे पास। मैं थोड़ा सा क्लोजअप लुक आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट मी जस्ट जूम। ओके, एज यू कैन सी SR संतूर 110, सो ये बूस्ट फोक है। नाउ गाइस, ये जो फोक है आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है इस SR संतूर X1 के लेटेस्ट फोक को आप लोगों को दिखाने का। एंड आई थिंक ऑनलाइन में भी अभी तक ये वाला मॉडल तो एटलीस्ट नहीं है, सो दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट यूनिट दैट वी हैव हियर, सो दैट आई कैन शो यू गाइस। इस फोक का एक चीज जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगा ना, वो है कि ये जो SR संतूर का X1 है ये है तो एयर फोक, हाउएवर ये स्टिल कहीं ना कहीं कॉइल फोक जितना ही भारी है। यस, इसका जो वजन है वो तकरीबन 3 किलो के बराबर है। अब यार क्वेश्चन ये आता है, आप लोग सोचोगे कि एयर फोक होने के बाद भी ये क्यों भारी है। लेट मी टेल यू, एज आई सेड कि ये XCR सीरीज से नीचे के रेंज में SR संतूर जो है वो उसको मार्केट में लाने वाली है। सो इसी रीजन के वजह से आप देखोगे जो XCR की सीरीज होती है ना, उसका जो लोअर होता है लेग वो मैग्नीशियम का बना होता है, जो यहाँ पे आपको स्टेंशंस मिलते हैं वो एलॉय का बना हुआ होता है। यहीं पे जो गेम है वो है कि ये जो X1 का स्टेंशन है ये स्टील का बना हुआ है जैसा नॉर्मली हमारा होता है, बट ब्लैक कलर की फिनिशिंग इसमें दे गई है तो ओवरऑल बाइक का लुक ही काफ़ी अच्छा बना सकती है। गैस चेंबर है, गैस चेंबर यानी कि एयर फील्ड होता है। लॉकआउट लीवर भी इसमें आपको मिल जाता है। जो इसके स्टेंशंस है ना वो 32mm के हैं, जो कि जनरली हमने देखा है कि SR संतूर के XCR सीरीज जो होती है उसी में आपको वो चलती हुई मिलती है। उस सब के अलावा आई वुड से कि ये जो फोक है ना ये ई बाइक्स के लिए भी रेडी है। इफ़ यू हैव एन ई बाइक आप उसमें भी इस फोक को लगा सकते हो, एंड अगर आपके पास फुल सस्पेंशन बाइक है 120mm के साथ जैसे मेरे पास है तो उसमें भी ये काफ़ी इजीली लगाई जा सकती है। तो डेफिनेटली कॉइल फोक से अगर आपको हल्का सा मूव ऑन करना है तो ये आई थिंक सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एयर फोक होने वाला है मार्केट में। एज ऑफ नाउ इसके ऑफिशियल प्राइसिंग को लेके तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंडिया में तो आपको पता ही है कि हर इस चीज़ के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ जो होती है या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। सो एज ऑफ नाउ इंडिया में इसका प्राइस कितना होने वाला है ये मुझे पता नहीं। जैसे ही ये सस्पेंशन फोक कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा इंडियन मार्केट्स में, ताकि जो बाइक शॉप्स हैं वो आपको इसको दे सके, तब जाके आपको इसकी रियल प्राइस पता चल जाएगी। मैं डेफिनेटली आपको अपडेट देने वाला ज़रूर हूँ। अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये भी होगा कि यार जब आपके पास फोक है तो आपने इस फोक को क्यों मंगाया है। वेल, ये जो फोक है ना ये हमारे एक MTB बाइक में लगने वाला है, जिसको लगा के मैं बहुत जल्दी आपको जो बाइक का न्यू लुक है, जो न्यू अपडेट्स है वो आपको देने वाला हूँ। एंड इस सस्पेंशन फोक को भी हम काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आउट करेंगे, बोथ ट्रेल्स, रोड, लॉन्ग डिस्टेंस राइड, वाटर वगैरह सब जगह में हम लोग उसको टेस्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया था, ये जो सस्पेंशन फोक है ना ये 180 डायरेक्ट माउंट वाला सस्पेंशन है, यानी कि अगर आपके पास 160mm का डिस्क ब्रेक रोटर है तो वो इस सस्पेंशन फोक में नहीं लगने वाला, इसमें डायरेक्ट 180mm लग जाता है। और अगर आप अडेप्टर लगाते हो तो आप इसको 203mm का रोटर बहुत ईजिली लगा सकते हो। सो उस मामले में आई वुड से कि आजकल जितनी भी MTBs आ रही हैं वो ज़्यादातर 180 फ्रंट एंड 160 रियर ही आती है, एंड अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो 180 काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्या ये जो लेटेस्ट एयर फोक है ये अफोर्डेबिलिटी के मामले में लोगों को एक ऑप्शन दे सकती है या नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका टेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये लेटेस्ट एयर फोक पहुँच सके।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो को लेके। अंटिल देन, बाय बाय।